इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा। सर कमाल हो गया 350+। निश्चित रूप से देश की जनता ने उन लोगों को नकार दिया जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते थे, जो प्रधानमंत्री मोदी पर निजी सवाल लगाते थे, निजी आरोप लगाते थे, जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे, देशद्रोहियों के साथ खड़े थे। इन लोगों ने राष्ट्रवादी सरकार को चुना है, देश ने एक ईमानदार सरकार को चुना है और देश ने उन लोगों को रिजेक्ट किया है जो नकारात्मक राजनीति करते थे। अगर अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी लीड कर रही है, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हार रहे हैं। स्मृति ईरानी निश्चित रूप से जीतेंगी और राहुल गांधी को अब मुझे लगता है राजनीति से संन्यास लेने चाहिए, राजनीति के उनके दिन भी खत्म हो गए हैं। आप लगातार बंगाल में प्रचार करते रहे, बंगाल का मंडल क्या कहते हैं? अगले 6 महीने में TMC टूटेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में भी बनेगी। और लगातार आप डिजिटल की तरह कैंपेन करते रहे, वेब के डिजिटल में, और टी शर्ट लोगों को बांटते रहे, तो क्या मैं भी चौकीदार उनके ऊपर, चौकीदार चोर के ऊपर हावी हो गया? चौकीदार प्योर है, देश की जनता ने बता दिया है। तेंद्र बग्गा जिन्होंने कहा है कि चौकीदार प्योर है और सरकार ने और जनता ने बता दिया है कि देश में मोदी मोदी ही होगा। कैमरामैन अमित के साथ पंकज वानखड़े, बीजेपी हेडक्वार्टर नई दिल्ली।